तो हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं आर्मी पोर्टल की वैकेंसी आ चुकी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है। तो इसमें आपको फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है, आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और यहाँ पे अपना पूरा अनुभव है जो हम इससे पहले भर्ती देके आए थे, पूरा अनुभव इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिखाई गई है जो कि 600 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप भारत के नागरिक होना जरूरी है और आपकी 18 से 40 साल के मध्य में आयु होना चाहिए और आपका फिजिकल एकदम फिट होना चाहिए और आप भारत के निवासी होना चाहिए, यानी कि भारत का जो वोटर कार्ड पहचान पत्र कुछ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो लगेगा और जो कि वेबसाइट की लिंक है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो परीक्षा का स्थान रहेगा वो क्या रहेगा। तो परीक्षा स्थान के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे पहुंचना है और किस प्रकार से पहुंचना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो परीक्षा का स्थान रहेगा रामपुर भुसावर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको इस भर्ती के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस भर्ती में आपको फॉर्म है वो कब से अप्लाई होंगे, तो फॉर्म है जी आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके 23 तारीख तक यहाँ पे फॉर्म चलने वाले हैं। आपको यहाँ पे 3 दिन मिलने वाले हैं, आप अपना फॉर्म है बड़ी आसानी से भर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा के लिए आपको वहाँ पे कितने तारीख को और कितने बजे वहाँ पे पहुंचना होगा, यानी कि 28 तारीख यानी कि 28 मई से 31 मई के बीच में आपकी जो कि फिजिकल या एग्जाम लिया जाएगा वो समय के साथ ही लिया जाएगा। तो आप अपन जहाँ तक हो जाए वहाँ तक 28 तारीख को ही वहाँ पे पहुंच, यानी कि 27 तारीख की शाम को वहाँ पे पहुंच जाए। खाने पीने की व्यवस्था आपको वहाँ पे खुद करनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और जो आप फॉर्म भरोगे उसके प्रवेश पत्र है जो कि 24 मई को निकाल दिए जाएंगे। और इसके बाद बात करने वाले हैं आपका जो कि रिजल्ट है जो घोषित किया जाएगा वो आपका 1 जून का रहेगा। लगभग इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस फास्ट रहती है और प्रोसेस फास्ट में आपका लगभग 1 मई यानी कि 10 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसमें मैं आपको 100% श्योर करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो आपको जो दस्तावेज लगेंगे वो क्या रहेंगे और इन भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, जाति, निवासी, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, सभी की फोटो कापी 5-5 फोटो कापी लगभग करा लेनी है आपको। वैसे यहाँ पे 3 छाया प्रति बोली है तो आप 5-5 छाया प्रति करा लीजिए। अब यहाँ पे किस बैंक का अकाउंट लगेगा तो वो बैंक वाले यहाँ पे आवश्यक क्या ध्यान दें, देखिए यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा सेविंग अकाउंट लगेगा यहाँ पे और जनधन वाला अकाउंट यहाँ पे स्वीकार, यानी कि जनधन वाला अकाउंट यहाँ पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे PNB पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट भी यहाँ पे लग जाएगा, 2 बैंक का अकाउंट लगेगा और इसके अलावा कोई भी अकाउंट इसमें नहीं मान्य किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आपको एक मूल यानी कि 10 का जो एफिडेविट भर्ती के लिए अपन बनवाते थे वो भी यहाँ पे आपको बनवा लेना है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक अपना मोबाइल नंबर, एक अपने गार्डियन का NOK का मतलब ये होता है कि आपके बारिश का, तो बारिश का आपको यहाँ पे यानी कि पापा का लग जाएगा, मम्मी का, बड़े भाई का, यानी कि घर में से किसी एक बड़े सदस्य का यहाँ पे नंबर लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 फोटो अपने, तो लगभग आप 8 रखिए। ठीक है, 6 मत रखो, 8 रखो। और जहाँ पे आप रंगीन फोटो NOK यानी कि आप फैमिली गार्डन के साथ में एक फोटो यानी कि 5 फोटो 6 फोटो जितने 4 से तो ऊपर ही आपको फोटो लेके जाने, यानी कि 7 वाला फोटो आपको लेके जाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप चरित्र प्रमाण पत्र जो लगेगा वो आपको 1 जनवरी के बाद का यानी कि मार्च के लगभग का फॉर्म यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आपका जो स्कूल से बनता है राज्य यानी कि आपका बनेगा, तहसीलदार बना देगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से कॉन्टेक्ट कर ले, और वरना आप इसको छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे कि सैलरी आपको क्या रहेगी, लगभग आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है
वो भी आप परमानेंट 180 दिन के लिए यहाँ पर रहोगे और 7 दिन की जगह आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, एक दिन आपका ऑफ रहेगा। और देखिए यहाँ पे एक और राय दे देता हूँ आपको, अगर आप 6 दिन के बीच यानी 5 दिन 4 दिन जॉब कर यानी कि ड्यूटी जाते हो तो आपको 4 दिन के ही पैसे मिलेंगे कि आप ये बोलो 6 दिन के पूरे महीने के, जितनी छुट्टी करोगे उतनी, और आप और भी अनाकानी दोगे तो आप वहां से बाहर भी कर दिए जा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है, तो ये वेबसाइट रही, देखिए ये वेबसाइट की लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको अन्य समस्या आती है तो मैं व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अपना जो मार्कशीट में अपना नाम हो वो मेंशन करना है, यहाँ पे फादर का नाम मेंशन करना है, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि आपको मेंशन करनी है, और यहाँ पे देखिए अर्ली ये है पुरुष के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे आप पुरुष भी सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस हो वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, और यहाँ पे स्टेट मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑल स्टेट आ रही होंगी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी मेंशन स्टेट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करने वाले अपनी एरिया का कोड, ठीक है, और इसके बाद बात करने वाले हैं यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसके बाद जो मैंने देखिए पंजाब और SBI आपके पास इन दोनों बैंकों में से किसी एक का अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप जो ट्रेड लेना चाहते हैं वो ट्रेड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिशियन, मेसर, वाटर, JCB ड्राइवर, कुक, वाटर वाशर, यानी कि टोटली यहाँ पे वैकेंसी यानी कि अदर यानी कि बहुत सारी ट्रेड में निकाली गई है, तो आप एक अपने यहाँ पे ट्रेड चॉइस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई JCB चलाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे गोल्डन चांस है, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे डायरेक्ट ले लिया जाएगा, ठीक है, तो ये बंदा ध्यान दीजिए। और टेलर वाले दो बंदे यहाँ पे आवश्यक ध्यान दें, आप अपना फॉर्म भरा आपको डायरेक्ट ले लिया जाएगा, कोई भी कुछ नहीं करा जाएगा, क्योंकि भाई मैं इससे पहले वैकेंसी देख के आया हूँ। अब यहाँ पे आपको फोटो में बहुत से बंदों को डाउट रहता है कि फोटो किस प्रकार के लगेंगे, तो फोटो के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कोई भी नॉर्मल फोटो डालिए, बस आपको प्रेजेंट डेट का फोटो डालना है, डाल दो आप 10 साल पुराने का, वो फोटो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे लगने वाली है, बैक और फ्रंट दोनों का फोटो, और पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपके पास प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और नहीं है तो आप वहाँ पे लेके जाना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें जो कि आप मेंशन कर लेंगे, मेंशन करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। होने के बाद आपको क्या कर लेना है, 24 तारीख को कभी भी आप अपना एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड है जहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड फॉर 24 मई, यानी कि आपके एडमिट कार्ड है वो 24 तारीख को इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और उसके भी लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड भारत माता की जय।